अल्लू अर्जुन ने अपना फिल्मी करियर की शुरुआत सन 2003 ईस्वी में आई गंगोत्री मूवी से किया था। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन, अदिति अग्रवाल, प्रकाश राज, तनिकेला भरानी, ब्रह्मानंद, MS नारायण थे। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपये था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। सन 2004 ईस्वी में अल्लू अर्जुन की दूसरी मूवी आर्या रिलीज हुआ। इस मूवी में अल्लू अर्जुन, अनुराधा मेहता, सुनील, सुब्बा राजू, वनु माधव, शिवा बालाजी थे। इस फिल्म का बजट 4 करोड़ रुपए था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सन 2005 ईस्वी में अल्लू अर्जुन की तीसरी मूवी बन्नी द हीरो रिलीज हुआ। इस मूवी में अल्लू अर्जुन गोरी मुंजल, प्रकाश राज, रघु बाबू, मुकेश ऋषि, फिश वेंकेट थे। इस मूवी का बजट 15 करोड़ रुपए था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 29 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सन 2006 ईस्वी में अल्लू अर्जुन की चौथी मूवी हैप्पी रिलीज हुआ। इस मूवी में अल्लू अर्जुन जेनेलिया डिसूजा, मनोज वाजपेयी, ब्रह्मानंद, दीपक सिरके, तनिकेला भरानी थे। इस फिल्म का बजट 16 करोड़ रुपए था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सन 2007 ईस्वी में अल्लू अर्जुन की 5वीं मूवी देश मुदुरु रिलीज हुआ। इस मूवी में अल्लू अर्जुन हंसिका मोटवानी, प्रदीप रावत, अली श्रीनिवास रेड्डी, कोबई सरला थे। इस फिल्म का बजट 10 करोड़ रुपए था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 29 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सन 2008 ईस्वी में अल्लू अर्जुन की 6वीं मूवी वीरता द पावर रिलीज हुआ। इस मूवी में अल्लू अर्जुन शीला कौर, प्रकाश राज, पूनम बाजरा, सुनील श्रीनिवास रेड्डी, अली थे। इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रुपये था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सन 2009 ईस्वी में अल्लू अर्जुन की 7वीं मूवी आर्या 2 रिलीज हुआ। इस मूवी में अल्लू अर्जुन, काजल अग्रवाल, मुकेश ऋषि, सयाजी शिंदे, ब्रह्मानंद, वेणु माधव थे। इस फिल्म का बजट 21 करोड़ रुपए था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 2010 ईस्वी में अल्लू अर्जुन की 8वीं मूवी वारूद रिलीज हुआ। इस मूवी में अल्लू अर्जुन सुहासिनी मणिरत्नम, ब्रह्मानंद, सयाजी शिंदे, आशीष विद्यार्थी थे। इस फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपए था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 2011 ईस्वी में अल्लू अर्जुन की 9वीं मूवी वेदम रिलीज हुआ। इस मूवी में अल्लू अर्जुन, अनुष्का शेट्टी, मनोज वाजपेयी, ब्रह्मानंद, सोयानी, कृष्ण मुरली, दीक्षा सेठ थे। इस फिल्म का बजट 17 करोड़ रुपए था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 26 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। इसी साल अल्लू अर्जुन की 10वीं मूवी बद्रीनाथ रिलीज हुआ। इस मूवी में अल्लू अर्जुन, तमन्ना भाटिया, प्रकाश राज, सयाजी शिंदे, राव रमेश, रघु बाबू थे। इस फिल्म का बजट 41 करोड़ रुपये था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 63 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई।